22 वर्ष तलर बहुचर्चित अंजना मिश्र गणदुष्कर्म मामलें अभियुक्त बिबन विश्वाल उर्फ विवेकानंद विश्वाल को गिरफ्त कर कमिशनरेट पुलिस महाराष्ट्र पुणे गिरफ्त कर पुणी लोकों मन पड़ जा लोमहर्षणकारी घटना जहाँकि सेतेबेले ओडिशा राजनीतिर मोड़ बदलाई देथिला 1999 मसीहा जनवरी मास 9 तारीख राति कटक भुवनेश्वर उपकंठ बारंग निकट में घटीला एक घटना अंजना मिश्रंकर आईएफएस स्वामीं सह एक पारिवारिक मामला चलता भुवनेश्वर नुआपल्ली अंजना मिश्र वकिलों सह परामर्श करने को कटक जाते सहित जन पुरुष बंधु भी थे से संध्या बेले कटकु बारंग बाटे कार्रे फेरुले बारंग पूर्व त्रिशूलिया निकट में एक ढाबे खावाक ओह्ल खाई भुवनेश्वर आड़क आसी ढाबे ही दुर्वृत्त मैंने देखी कि बाट आसवाप दुर्वृत्त मैंने कार कोटकई पूरा फिल्म स्टाइल रे कार को हाइजा कर त्रिशूलिया बारंग मझे एक गाँ ठू अल्प दूर को एक निछाटिया स्थान को कार को ले जाते राति तीन जन दुर्वृत्त गणदुष्कर्म कर राति पाइबा पूर्व कार को नहीं त्रिशूलिया बांकी रास्त छाड़ी बारंग पुलिस राति में पेट्रोलिंग करते घटना संपर्क में किसी जापार तापरदिन सकाळे अंजना मिश्र को कटक निया से कटक महिला थाना लिखित भाव में अभियोग करते एतलार से तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक दोषारोप करते अपराधी माने कांग्रेस समर्थक थे अपराध घटाइवा समय डाक ना डाकुले एपरिक अपराधी माने कार छाड़ पूर्व पुणी गणदुष्कर्म करते सेतेबेले घटना को नहीं राज्यव्यापी आंदोलन होता सारा देश में भी हईचई होता मुख्यमंत्री इस्तफा दाबी कर शेष मुख्यमंत्री पदर जानकी वल्लभ पट्टनायक इस्तफा देते गिरिधर गमांग होते मुख्यमंत्री गणदुष्कर्म घटन अभियुक्त पदिया और धीरेन को गिरफ्त कर महिला थाना हाथ क्राइमब्रांच को तदंत दायित्व दि जाता पर सीबीआई घटनार तदंत कर सीबीआई कोर्ट में मामलार विचार होता पदिया और धीरेन को दंडादेश दि जाता बिबन धरा पड़ नामला पाठ आड़ा मामला को खोला रखा जा मामलार शुणा होब ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी।